24 साल की महिला को चोरी का मोबाइल खरीदना पड़ा महंगा। शाहदरा जिला की विवेक बिहार थाना पुलिस ने महिला को दो स्नैचर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पास से छीना गया मोबाइल बरामद हुआ है। DCPR साथिया सुंदरम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गाजियाबाद निवासी योगेश और दिल्ली के कस्तूरबा नगर निवासी मोनिश के तौर पर हुई है, जबकि महिला भी गाजियाबाद की रहने वाली है। DCP ने बताया कि 7 फरवरी को विवेक बिहार थाना अंतर्गत ज्वाला नगर में एक युवक का स्कूटी सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया था। मामले की जाँच के लिए विवेक बिहार थाना पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। मामले की जांच शुरू की गई। टेक्निकल सर्विलेंस में सामने आया कि मोबाइल गाजियाबाद में एक्टिव है। पुलिस ने मोबाइल को ट्रैक करते हुए गाजियाबाद पहुंची तो वहां महिला से मोबाइल बरामद हुआ। महिला ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने रिश्तेदार योगेश और उसके दोस्त मोनिश से मोबाइल खरीदा था। मोबाइल को उन्होंने ज्वाला नगर से स्नैच किया था और उसे बेच दिया था। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने योगेश और मोनिश को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दोनों बेरोजगार हैं। उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा है जिसको चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसी से परेशान होकर वे लोग स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने लगे। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से स्नैचिंग के कई मामले दर्ज है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।